Welcome back to the channel everyone. I hope you guys you doing absolutely fine. Redmi K20. जी हाँ, इस डिवाइस का काफ़ी सारे लोग बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। फाइनली ये डिवाइस 17 जुलाई को ऑफिशियली इंडिया में लॉन्च हो जाएगा, लेकिन उससे पहले मैंने सोचा आप लोगों को इस फ़ोन के 6 ऐसे रीजंस बता दूं जिससे आपको पता चले इस फ़ोन की क्यों इतनी हाइप क्रिएट होना शुरू हो गई है, और साथ ही साथ एक ऐसा रीजंस भी बताऊँगा जो इस फ़ोन की सबसे बड़ी कमी है या बोल सकते हो एक कॉन्स हैं। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप 6 ऐसे रीजंस बताता हूं जिसके लिए आपको इस फोन का वेट करना चाहिए। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। सबसे पहले रीजंस की बात करूं तो ये हैं इस फोन का प्रोसेसर। तो Redmi K20 में हमें देखने को मिलता है कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 730 प्रोसेसर। ये प्रोसेसर काफी पावरफुल प्रोसेसर है। ये प्रोसेसर 8 नैनोमीटर फिनफेट टेक्नोलॉजी पर काम करता है, जिसकी वजह से आपको इस फोन से काफी अच्छा बैटरी बैकअप देखने को मिल जाएगा। इस प्रोसेसर के अंदर क्रायो 460 कोर्स यूज किए गए हैं, जो एक ऑक्टा कोर सेटअप है, जिसमें दो कोर्स हाई पावर कोर्स हैं जो काम करते हैं 2.2 गीगाहर्ट्ज पर, और बाकी के 6 कोर्स लो पावर कोर्स हैं वो काम करते हैं 1.8 गीगाहर्ट्ज पर। इसके अलावा इस फोन में जो जीपीयू देखने को मिलेगा वो होगा एड्रेनो 618। तो परफॉर्मेंस के मामले में आपको इस फोन से कोई भी शिकायत नहीं होगी। आप हैवी गेम भी प्ले कर सकते हैं, जैसे कि पबजी, एस्फा 9, फोर्टनाइट जैसी गेम आप प्ले कर सकते हैं। तो नो डाउट इस फोन की परफॉर्मेंस भी कमाल की होने वाली है। सेकंड रीजंस की बात करूं तो ये हैं इस फोन की बिल्ड क्वालिटी, लुक एंड डिजाइन। अब ये फोन की जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफी स्टर्निंग है। फ्रंट साइड एज वेल रियर साइड दोनों ही साइड पे आपको ग्लास देखने को मिलेगा, और वो भी कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5। और सेंटर में जो फ्रेम दी गई है वो है एल्यूमिनियम की, जिसकी वजह से ये फोन काफी ड्यूरेबल रहने वाला है। ये फोन आपको रेड, ब्लू और ब्लैक कलर में देखने को मिलेगा, और वो भी ग्रेडियंट कलर कॉम्बिनेशन में, जिसकी वजह से ये फोन दिखने में भी काफी अट्रैक्टिव है। तो स्पेशली बिल्ड क्वालिटी, लुक और डिजाइन को लेके आपको इस फोन से कोई भी शिकायत नहीं होगी। थर्ड रीजंस की बात करूं तो ये हैं इस फोन की डिस्प्ले। जी हाँ, काफी लंबे टाइम से लोगों की डिमांड थी Xiaomi को अपने फोन में एमोलेड डिस्प्ले ऑफर करनी चाहिए। तो फाइनली इस डिवाइस में Xiaomi ने एमोलेड डिस्प्ले ऑफर कर दी है, और वो भी फुल व्यू डिस्प्ले के साथ, नो नॉच नो बेजल, जिसकी वजह से आपका मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस और भी एनहांस होने वाला है। इस फोन में आपको देखने को मिलेगी 6.39 इंच की डिस्प्ले फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ, और साथ में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर डिस्प्ले के डिपार्टमेंट में भी Xiaomi ने कहीं पे भी कमी नहीं छोड़ी है। फोर्थ रीजंस की बात करूं तो ये हैं इस फोन के कैमरास। जी हाँ, इस फोन के रियर साइड पे आपको ट्रिपल कैमरास का सेटअप देखने को मिलेगा। सबसे पहला जो सेंसर होगा वो होगा 48 मेगापिक्सल का, और वो भी सोनी IMX582 सेंसर के साथ। सेकेंडरी जो लेंस होगा वो होगा 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस। इसके अलावा जो थर्ड सेंसर होगा वो होगा 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस। साथ ही साथ अगर हम बात करें सेल्फी कैमरा की, तो Redmi K20 में 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा, और वो भी पॉपअप एलिवेटिंग मोटोराइज सेल्फी कैमरा। तो ऑन पेपर देखा जाए तो Redmi K20 के कैमरास काफी अच्छे नजर आते हैं। फिफ्थ रीजंस की बात करूं तो ये हैं इस फोन की बैटरी। ये डिवाइस में आपको 4000 mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिलेगी, और साथ ही साथ इस फोन के अंदर जो प्रोसेसर लगा हुआ है 1 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पर बेस हैं, जिसकी वजह से आपको काफी अच्छा बैटरी बैकअप भी देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ क्विक चार्ज 4+ टेक्नोलॉजी का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से आप काफी कम टाइम में फोन को फास्ट चार्ज कर पाएंगे। तो बैटरी डिपार्टमेंट में भी आपको इस फोन से कोई भी शिकायत नहीं होगी। सिक्स रीजंस की बात करूं तो ये हैं इस फोन की प्राइस। देखो, मैं यहां पर आपको एक्सपेक्टेड प्राइस का अंदाजा बता सकता हूं जो पर्सनली मुझे लगता है। तो इस फोन की स्टार्टिंग प्राइस जो बेस वेरिएंट है 17000 के आसपास रह सकती है, क्योंकि यहां पे मोबाइल इंडस्ट्री में कंपटीशन बहुत ही ज्यादा है। तो मुझे नहीं लगता Xiaomi इस फोन को ओवर प्राइस के साथ लॉन्च करेगा। तो ये थे इस फोन के 6 ऐसे रीजंस जिसके लिए आपको इस फोन का वेट करना चाहिए, लेकिन आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना
ये 6 रीजंस में से आपको कौन सा रीजन सबसे ज्यादा अच्छा लगता है जिसकी वजह से आप ये फोन लेने की सोच रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं एक ऐसे रीजंस की जो इस फोन की एक कमी है। तो जो चाइना वाला वेरिएंट है उसमें आप एट अ टाइम ड्यूअल सिम लगा सकते हैं, माइक्रो एसडी कार्ड लगाने का सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगा। आई होप ये फोन इंडिया में जब लॉन्च होगा तो हमें मेमोरी कार्ड का सपोर्ट भी देखने को मिल जाए, क्योंकि ये हमारी एक जरूरत है। बाकी दोस्तों आप क्या सोचते हैं इस फोन के बारे में नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना। उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, साथ में प्रेस कीजिए बेल आइकॉन को ताकि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना और अपने चाहने वालों का।